रोडवेज की हड़ताल के मद्देनजर कई जगह के डिपो बंद कर दिए गए हैं। अंबाला, गुरुग्राम, चंडीगढ़ के डिपो बंद किए गए हैं। कल से रोडवेज की हड़ताल है। कई मांगों को लेकर रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कल से हरियाणा रोडवेज की हड़ताल है। अंबाला की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रोडवेज कर्मचारी। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। राज्य परिवहन गुरुग्राम के कर्मचारी नाराज, लामबंद है और कल से हड़ताल करेंगे। कई डिपो आज ही बंद रहे। रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री उपेंद्र सिंह हुड्डा पर गुरुग्राम में केस दर्ज करने के मामले में हरियाणा की खट्टर सरकार ने भले ही इस कर्मचारी संगठन पर शिकंजा कसते हुए एस्मा जैसे कानून को लागू कर दिया हो, लेकिन कर्मचारी संगठन पर एस्मा का कोई असर नजर नहीं आ रहा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी एस्मा के बावजूद 5 सितंबर को प्रदेश भर में हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर बुधवार को आप हरियाणा में रोडवेज की बस से सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा इस प्लान को आप बदल लें, क्योंकि बुधवार को हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी बसों का चक्का जाम करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए एस्मा लगाया हुआ है, बावजूद इसके हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने अब इस बात का फैसला कर लिया है कि बुधवार को हरियाणा में रोडवेज बसों का चक्का जाम होकर रहेगा। कर्मचारी चक्का जाम का फैसला सरकार द्वारा 720 निजी बसों को शुरू करने के विरोध में कर रहे हैं। हड़ताल से पहले मंगलवार को सिरसा बस अड्डे में कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलवीर किरमारा ने संबोधित किया। इस बैठक में बुधवार को होने वाली हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई। हरियाणा सरकार द्वारा 720 प्राइवेट बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत किराए पर लेने का जो जन विरोधी, विभाग विरोधी, कर्मचारी विरोधी जो फैसला किया है, उसको लेके हरियाणा रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 5 सितंबर की हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको लेके सरकार बौखला के गलत बयानबाजी कर रही है कि रोडवेज के कर्मचारी जनता को हर रोज हड़ताल करके ब्लैकमेल करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रोडवेज के बहादुर कर्मचारियों ने जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। एक तरफ रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो वहीं परिवहन मंत्री कृष्ण पवार के मुताबिक अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। इन यूनियन के पदाधिकारियों ने पहले हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि हम कोई सरकार पॉलिसी बनाएगी तो उसका विरोध नहीं करेंगे, तो इसलिए हाई कोर्ट के अंदर भी मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है, जब एफिडेविट दे चुके हैं तो उसके बाद इस तरह स्ट्राइक करना गलत। सरकार का क्या कदम रहेगा सर कल? इसके लिए जो हमने एस्मा लगा दिया, तो एस्मा एक कदम ही है। कुल मिलाकर कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हैं तो सरकार ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रही है, लेकिन इन सब के बीच उन हजारों यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं जो रोज हरियाणा रोडवेज में सफर कर अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। ऐसे में बुधवार को क्या होगा ये देखना होगा। जींद से रमेश सिंह रोहा के साथ सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा। रोडवेज की हड़ताल को लेकर अभी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों के मुताबिक सरकार और रोडवेज कर्मियों की इस लड़ाई में आम लोग और छात्र छात्राएं पिस रहे हैं।
आम जनता को इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। हम स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से गर्ल्स को तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बॉयज़ तो कर लेते हैं जैसे मर्जी है जैसे, लेकिन गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसकी वजह से। जो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को अपने आप इसको सॉल्व करना चाहिए। इसमें दूसरी पब्लिक को तो प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ जी, क्योंकि इसकी वजह से दूसरी पब्लिक क्यों सफ़र करेगी? गवर्नमेंट की लोगों की बस ब्रॉडवेज वालों की प्रॉब्लम है, तो इसमें दूसरों को क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? रोडवेज ये स्ट्राइक रोज़ स्ट्राइक लेती है और इसके कारण हमें बहुत दिक्कत आती है। और कल भी इनके चक्के जाम है और हम स्टूडेंट हैं, हम इतनी दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, हमें रोज़ इनके इससे परेशानी आती है बहुत। और हम आम जनता है, बुजुर्ग हैं, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है इसलिए हमें, और इसलिए हमें इस पर सरकार को सूचना देनी चाहिए कि वो अपना विवाद आपस में सुलझाए, ना कि आम जनता को परेशान करे। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो स्कूल के कॉलेजों के, ये बहुत दुखी हो रहे हैं। ये कभी कभी स्ट्राइक कर देते हैं जिससे हमें बहुत परेशानी होती है, और कल भी स्ट्राइक है, इस करके हमें बहुत